नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP में जो है हमारे चैनल पे SBI CSP से रिलेटिव बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो है लिमिट को इंक्रीज किया गया है, उससे रिलेटिव बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कौन से सर्विस का लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है और जो मनी ट्रांसफ़र का जो लिमिट है उसको कम इंक्रीज किया जाने वाला है। और साथ में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने कमेंटमेंट किया था कि जो है पासबुक प्रिंटर का जो है फ्रंट पेज छापने का जो ऑप्शन हमारे CSP में इनेबल होने वाला है, क्या ये सच है? तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि SBI CSP से रिलेटिव अगर कोई भी अपडेट आए तो उसकी समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जो है ट्रांजेक्शन लिमिट इंक्रीज हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अभी पिछले दिनों दो दिन पहले मैंने आपको एक गुड न्यूज़ दिया था जिसमें कि माइक्रो ATM का जो है लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि अभी तक वह जो 20,000 निकल रहा था वो 30,000 हो गया है। और सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि मनी ट्रांसफ़र का जो लिमिट है कब तक बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे सारा सिस्टम जो है अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद कुछ दिन में आने वाले दिनों में आपको या 15 या 20 दिन एक महीना के अंदर जो है आपको मनी ट्रांसफ़र की लिमिट भी आपको 30,000 को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि किस किस सर्विस में हम 30,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आप बता दें कि CIF के थ्रू विथड्रॉल एंड डिपॉजिट आप जो है 30,000 का कर सकते हैं। और जो है ऑन ब्रांच यानी कि SBI के ब्रांच में SBI के खाता से यानी कि जो CSP में हमारे यहाँ खाता खुला हुआ है CIF से, उससे आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र भी 30,000 का कर सकते हैं। वहीं पे माइक्रो ATM का जैसे कि मैंने आपको हाल ही में बताया कि इसका लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है अभी दो दिन पहले, आप उससे विड्रॉल 30,000 का और जो है स्टेट बैंक के अकाउंट में जो है 30,000 का फ़ंड कर सकते हैं। अभी जो है उसी तरह आधार से जो है विड्रॉल कर सकते हैं आप जो है 30,000 और डिपॉजिट भी कर सकते हैं 30,000 का स्टेट बैंक के अकाउंट में। और रहा एक मनी ट्रांसफ़र अभी बचा हुआ है जिसमें कि अभी 20,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो है मनी ट्रांसफ़र 30,000 देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन था कि जो है आपने पासबुक प्रिंटर का फ्रंट पेज का जो है कमेंटमेंट किया था कि हमें सभी CSP को मिलने वाला है फ्रंट पेज प्रिंट करने का, तो मैं यहाँ पे फिर से आपको रिवाइंड करना चाहते हूँ कि ये बहुत जल्द ही हमारे CSP पोर्टल पे जो है इसको इनेबल किया जाने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो है अभी हमारे यहाँ जो है बैंक का निर्देश आ चुका है, यानी कि बैंक ने ये निर्देश दे चुका है कि जो भी हमारे यहाँ अकाउंट CSP का ओपन हुआ है सभी को पासबुक प्रोवाइड करने वाली है बैंक। यानी कि जो भी हमारे आज तक अकाउंट जो भी CSP अगर 10,000 अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उनको 10,000 अकाउंट जो है जो अकाउंट का जो है पासबुक प्रोवाइड किया जाएगा और उनको फ्रंट पेज पासबुक प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया जाने वाला है। ये सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द जो है फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है किसी भी कस्टमर का जो है फ्रंट पेज प्रिंट कर पाएंगे, यानी कि जो कस्टमर आएंगे उनका आप जिस कस्टमर का अकाउंट है उनका फिंगरप्रिंट लेके आप उनका फ्रंट पेज आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द प्रिंट करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही फोकस है बैंक का इसमें पासबुक प्रोवाइड को लेकर के। बहुत ही जल्द जो है नए अकाउंट, हालाँकि जो भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसके थ्रू तो RBO के थ्रू पासबुक प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ ओल्ड अकाउंट भी है उसको भी जो है बैंक बहुत ही तैयारी के साथ पासबुक प्रोवाइड करने जा रही है। तो ये आपको जो है न्यूज़ कैसी लगी, अगर आपको ये SBI CSP से रिलेटिव जो भी ये वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।